चल 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 निकल। 6-7 मच्छू मेरे बच्चे को घेर के रखे थे, सबको एक साथ दिया फटका। तो गाइस मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूं। और यार बाल का कुछ करते हैं पहले? बाल का कुछ करते क्या कर रहे, काट रहे? कुछ नहीं कर रहे, सीधा सेटल। टेंशन ही खत्म मांगता है, टेंशन ही नहीं मांगता। थोड़ा ज़्यादा चपटे हो गए ना अब, ठीक है। हाँ तो ये वाला ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर मच्छर की अगरबत्ती भी वैसे, लेकिन इतना टाइम था नहीं उसको, कम से कम 8-10 मच्छरों ने घिरा हुआ था। तो अपन इंस्टेंट इलाज, रैकेट, बैडमिंटन, हाँ क्या बोलते हो? तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट टाइम पास करते हैं, तो मैं बैठ गई थी। और इसने बेडशीट मंगाई थी, मंगाई थी उसका तो सीन है। क्या सीन है मालूम है? एक बार बेडशीट मंगाई और मैंने एड्रेस ही चेंज नहीं किया, एड्रेस वो पुराने घर के एड्रेस पे गया। अच्छा। और मैं इंतजार कर रही, आ रहा नहीं। फिर मेरे को फोन आता है कि हम मीशो से बोल रहे हैं, आपका ऑर्डर है, कहाँ पे हो आप? रोजमेरी के पास। अरे महाड़ा आ जाओ ना। नहीं नहीं हम नहीं आ सकते, तो क्या है, कैंसिल कर दो। हाँ यार ये लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ। चलो ठीक है, लेकिन इसकी गलती थी। हाँ, मैं ना मच्छर की अगरबत्ती जला देता हूँ, कैरी ऑन। फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। मारा तो हूँ लेकिन यहाँ पर अभी भी मच्छर बहुत है। हाँ। अब कितने मच्छर मैं रैकेट से मारूंगा, ये देखो किधर गया किधर गया किधर गया। अब भी ऐसे भागा है, ताजा ताजा भागा 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 भागा। हाँ कितने मच्छर मारूंगा ऐसा ढूंढना पड़ता है। रात को इनकी यही ड्यूटी है। तो ना और एक चीज, वो बेडशीट है ना, जिनत ने बोले रही भाभी ये सेम बेडशीट तो मेरे पास है, फिर लेकिन वो हो गया कैंसिल। तो इस बार मैंने ना 2 अलग बेडशीट मंगाए हैं, अम्मी के लिए भी मंगाया हम लोग ने, लेकिन वो अभी 20 तारीख को आएगा, आया नहीं अभी तक। तो आज मंगाया मैंने, 2 बेडशीट आया है, 2। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों की क्या है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी नए घर में आने के बाद जो मेरे पुराने बेडशीट्स थे मैंने हटा दी, उसमें से एक बेडशीट रखी थी इलास्टिक वाली, तो वही वॉश कर रही हूँ, वही वापस लगा रही हूँ, वापस वॉश कर रही हूँ, वापस लगा रही हूँ। तो ऐसा लग रहा नहीं है कि बेडशीट धुल रहा है, फील ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि चेंज नहीं दिख रहा है ना वो। जब तक बेडशीट चेंज ना हो तो ऐसा लगता है कि बेडशीट धुला है नहीं। तो गाइस अपन के पास अगरबत्ती का स्टैंड, वही पुराने वाला चावल वाला, चावल वाला। ये वो का लगा रहे? नहीं टैप करो ना, खाली लगाऊंगा इधर पे। का लगाएगी यहां पर? ये अपना शाम का एक प्रोसीजर है, मगरिब के बाद ना जरूरी है ड्यूटी, या मच्छरों की अटैक चल रहा है। हाँ, अटैक, हमला हो जाता है, हमला के ये पर्दा बंद करने का, क्योंकि घर का बाहर सब दिखता है, इसमें कैसा मान के जिधर उजाला उधर का दिखेगा। हाँ, तो दिन में बाहर नहीं दिखता है, रिफ्लेक्शन बाहर का आईने के जैसा रहता है, और शाम के टाइम पे घर में उजाला है, बाहर अंधेरा ना, साला मच्छर देखे। मच्छर जला देना, हट अरे भाई देखो हट किया इसको एकदम ताजा ताजा। कल वाला रात में एक मच्छर ने इतना खून पिया था, बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा था, एकदम बेहोश हो गया था। हाँ, तो एक रहा था। वो गया और उड़ भी नहीं पा रहा था, आराम से ले फटा। मेरे बच्चों का ही खून पिया था उसने। तो चलो बेडशीट दिखाएंगे क्या? देखो ना गाइस यहाँ पर 2-2 बेडशीट आई है, एक 400 रुपए का है, एक 360 रुपए का। तू ही बता। मैं बताऊ? हाँ बिल्कुल, इट्स योर। अपना सोफा कितना बड़ा है ना? हाँ। मस्त वाला। हाँ। तेरे को बैठने की जगह यही मिली? हाँ। मैं उधर से आई, मेरे को इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं यही बैठ जाती। तो पहली बेडशीट खुल रही है, 6x6 की है ना, क्या 5x6 की लेकर आई? नहीं 6x6 किंग साइज ना, 6x6। ऐसा तुम अंडर एस्टिमेट करते मेरे को, हाउ डे यू। पिल्लो कवर के साथ? यस, लेकिन 2 ही पिल्लो कवर है। हाँ तो 2 ही चाहिए अपने को आजकल, वैसे भी अपने पास चादर तक के नहीं अपन यूज कर रहे। हाँ क्वालिटी तो अच्छी है, मस्त एकदम झकास मोटा वाला कपड़ा है। मंगाई जहाँ से मैंने अपना पिछला फिरोजी वाला जब बिछा रहा है, मोटा वाला कॉटन है, पानी में और भरेगा और इलास्टिक वाला है। अच्छा तब भी मैंने तो ऐसी 350 दे दू। अम्मी ने 200 रुपए बड़े बड़े लेके आए हैं, लेकिन वो इलास्टिक नहीं है, तो अपने पास माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जो तितर बितर कर देते हैं। चलो गाइस वैसे भी ना हम लोग ना तुम लोगों ना हमारा बेडरूम है ना सही से शेयर नहीं किया। हाँ। जो लुक होता है नहीं होता है, क्या बोलते रुको, गाइस, क्या बोलते? और एक बेडशीट बाकी है देखो। हाँ चेक्सो। हाँ एक ये मैंने ना दूसरा मंगाई थी, तो जिन्हें बोले भाभी सेम मेरे पास है और वो रॉन्ग एड्रेस पे था। अच्छा कैंसिल हो गया मेरा प्लान चेंज करेगी मंगाई, थोड़ा अपने रूम का जो वॉल है ना। हाँ मरून। हाँ उससे मैच हो गया, मरून मरून। ये कोइंसिडेंटली हो गया एक्चुअली, मेरे को अम्मी ने रिमाइंड करा, अरे तुमने के वॉल से मैच की क्या तूने?
ओ ये तो मैंने ऐसे ही मंगा दी थी, मेरे को बाद में याद आया मैं मंगा सकती थी। नहीं अम्मी बोले थे मेरे को याद आया। तो ये भी तो आज मरून पहना है। नहीं ये रेड है। हीरो तमिलो रेड। हीरो तेरे स्पोर्ट्स चालू है, दौड़ने हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, रेसिंग करता आज, रेसिंग किसकी? पहले ही थक गया था मेरा बच्चा। देखो कोई नहीं सोके। हाँ यार ये अच्छी है, मस्त है, दिख के अच्छी आ रही है ना, दिख के अच्छी आ रही है। ये पिलो कवर, ये भी सेम ही है, देखो सेम फैब्रिक है। लेकिन रूम में अपना जो ब्राइटनेस है ना, हाँ। देखते हो तो चढ़ाने के बाद मांग पड़ी है। तो कौन सी चढ़ाओ, ये वाली या वो वाली? ये वाली बिल्कुल, ये वाली, ये वाली, ये वाली। हाँ मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये वाला, ये वाला नहीं। तुमको वो पसंद नहीं आई है? लेकिन ये इसका लुक अच्छा आ रहा है इसके लिए। चलो चलो तुम लोगों, हम लोग हमारा रूम टूर भी देते सही वाला। पहले कैसा है, जब घर सही से बना नहीं था तब तुम लोगों को रूम टूर मिला था मेरा, लेकिन अब पूरा सेटल हो गया है, पूरा सेटल भी नहीं बोलूंगा 80% सेटल हो चुका है। तो तुम लोगों को बता सकते हो, मैं है ना बच्चों के कपड़े हर बार अरेंज करती हूँ, आधा ही होता है। इतने माशाल्लाह। तो चलो तो चलो तो मम्मू का ख्याल रखने के लिए रियाज भाई है। रियाज भाई जाओ। अब्बा मुझे तो गोद में लेकर चलो। अरे क्या गोद में चलेगा यार, तू थोड़ा चल सकता है ना? मैं तो बड़ा हो गया अभी, क्या ले समझता है? गोद में ले चलो। क्या यार तू भी ना, ये तो ऐसे ही करता है, ये इसके नाटक करते हैं और कुछ नहीं। सीढ़ी से ना चढ़ने और उतरने का ना इसका एक है कि गोद में लेके चढ़ो, गोद में लेके उतरो। सुबह गुड मॉर्निंग होगी तो चिल्लाता है कि मेरे को लेके चलो नीचे, रात में बोलता है मेरे को लेके चलो ऊपर। ऐसी गोद में लेके उतरना पड़ता है उसको। तो आओ हमारे रूम में। बाकी नूर की आवाज चेंज होती है। हाँ दम आने लगते तो ये जो है अभी मैंने ऊपर से कपड़े लेके आए सूखे कपड़े, तो ऐसी बेड पर रखी और नीचे गई। देखो गाइस अपना फर्नीचर तो तुम लोग को पता ही था, आपने पहले बताए थे, दिखा हुआ था पहले ब्लॉग्स में। ठीक है ये अपना ड्रेसिंग टेबल। तो गाइस मैं इसको जला कर उड़ाने का, ये साइडर। ठीक है और ये वॉल मरून है, तो इसके साथ इसने ये मरून लेकर आई है। ये अपनी टीवी वॉल झकास, सीलिंग तो अपन ने पहले बताई थे। अरेंज भी कर दी इन्होंने, ये इनका सेक्शन प्रॉपर्ली अरेंज कर दी, ये वाला सेक्शन प्रॉपर्ली अरेंज है। और जो भी सूटकेस थे ना इसके बड़े बड़े उधर है, तो सूटकेस के अंदर का माल इधर है, समझे? फिर वहां सूटकेस दिखाओ। और इसके अंदर आ गया अपना सूटकेस, और उसके बाद भी अपने पास है ना कोट माला है यहाँ पर अलग से। मुझे तो देखो ये देखो इधर। हाँ हाँ हम लोग का साइडर मजबूत है। अपना बच्चा हल्का फुल्का है। जो यहाँ पर ये थोड़ा मैसी हो गया क्योंकि मैं सामान निकाल दूँगी। और ये रोनाल्डो है, ये मैंने प्रॉपरली अरेंज किया, यहाँ बच्चों का अरेंज करके रखा है नीचे। मैंने बोला आधा अरेंज है आधा पसार है। चलो गाइस अपन ना बेडशीट चेंज करते हैं क्योंकि अपन यहाँ पर बेडशीट चेंज करने आए हैं। यस वैसे तुम लोगों को बता दो यहाँ पर शादी नहीं है, वरना यहाँ से ना अलग शादियों की रौनक रहती है। ये देखो ये सीन है, अभी अपने यहाँ पर उजाला है ना इसलिए लाइट इस तरफ मार रही है, बाहर उजाला रहता है मतलब दिन में, तो ये ऐसा ऐसा मिरर रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ रहता है। अभी एकदम सन्नाटा है भाई, काला अंधेरा कायम रहे। ठीक है नहीं तो शादियों का मजा लेते रहते हम लोग। हाँ एसी जमती है, एसी 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 हम लोग है ना वो मस्कीटो नेट है ना वो लगा देते हैं। हाँ ये मस्कीटो नेट है अपने यहाँ पर, जैसे कि इतना रुक उंगली दबेगी तेरी ऐसा। तो हम लोग का एसी भी चालू रहती है मस्त एकदम, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है बस। देखो ये वाला भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, और लास्ट टाइम हम लोग का बेड जो था ना 5x6 था। तो गाइस एक सजेशन, जब भी नवी शादी हो तो 5x6 का बेड बिल्कुल ना ले, क्योंकि 1-3 साल तक की बेबी नहीं हुई। हाँ। बाद में तो होते ही ना 5x6 का बेड वेस्ट हो जाता है। हम लोग का भी ऐसी पड़ा हुआ वेस्ट, 6x6 का ही लेने का। 6x6 से बड़ा मिलेगा ना तो भी चलेगा, पर 6x6 से छोटा बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं लेने का, वेस्ट ऑफ मनी। तो हम लोग ने ये चीज सीखे। अच्छा एक चीज और, हम लोग के पास जब से ये मेरा फर्नीचर सेट हुआ ना इसकी ये प्लास्टिक नहीं निकाले, फिर आधा अधूरा रह जाएगा। पलटी मारने का तो पलटी भी मार दे नहीं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है अपना। ठीक है तो नूर बोल रही थी मेरी पेट दुखती है, मतलब अगर चाहिए तो पलटी मार देंगे, नीचे वाला थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये दोनों साइड वाला है, और इसकी प्लास्टिक निकालना जरूरी है। देखो इधर अपना जब भी नाम है
बेड पे आता हूँ ना सबसे लेट तो मैं ही आता हूँ, तो बाजू में मम्मू रहेगा ना तो मम्मू की नींद डिस्टर्ब हो जाती है प्लास्टिक की आवाज़ की वजह से, पहले हिलना डुलना चालू हो जाता है। हाँ बस अरे ये मेरे को दो, अरे अरे ये मेरे को दो, देखो मेरा हक छीना जा रहा है बोले। चलो चलो गाइस अभी अपना दूसरा काम। और ये बेड वैसे हमारा बॉक्स बेड है, हाँ। जैसे वो 6x5 वाला था वैसे ही ये है, इसमें बहुत सारा सामान आराम से आ सकता है। क्या बोल रहा छतरी बनाए थे, बाकी इलास्टिक वाली का एक फायदा है। क्या फायदा है? कि इजीली बेड पे कवर हो जाती है, बेड पे कवर भी होती है और वो जो बार बार निकलने का टेंशन रहता है ना बच्चे, पहले देख ले इसका ना फूल का डिजाइन अलग अलग है, कौन से साइड कौन सा डिजाइन रखेगी, चारों कोने एक जैसे ही है डिजाइन। लेट्स बेडशीट लग गई, वाह जैसे ये इन्होंने बोले थे दो अलग साइड से, तो जो जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हैं, तो मेरे को सर पे ये भरा हुआ नीचे रहना चाहिए, बराबर है, वहाँ पिलो रखेंगे अपन, बराबर बराबर है, झकास। एक साइड पीछे साइड प्लेन है पूरा, हाँ हाँ पूरा प्लेन है ना, और इसमें कॉर्नर है ना दोनों, हाँ ये सही है, दोनों में कॉर्नर नहीं है, देखो वो कॉर्नर है ये बीच में, ये वाला 360 का है, हाँ हाँ वो वाला 400 का है, ये 360 का मिला तेरे को, हाँ एक नंबर यार, अच्छी डीले अच्छी डीले, और वो वाला 400 का है, वो वाला 400 का है, हाँ वो मैंने थोड़ा ब्राइटनेस के हिसाब में ली, ब्राइट कलर रहता है ना, और फिरोजी बहुत सारे दिख रहे थे, लेकिन मुझे एक फिरोजी तो है ऑलरेडी। अरे मेरा चश्मा गिर गया है, मैंने यहाँ पर ना लास्ट कॉर्नर में जैसा वो नूर का चश्मा पड़ा हुआ है ना, ये देखो ये नूर का चश्मा है, ऐसे ही मैंने मेरा चश्मा रखा था इधर भी, वो एक काम करना पड़ेगा उधर से अपने को चश्मा रखने की जगह हटानी पड़ेगी, हाँ। तो पहले मेरा चश्मा निकालने का, ये बेड खींचना पड़ेगा अपने को, चलो हाँ चलो ज़रूरी है भाई, यार नहीं निकल रहा वो, हिल रहा भी नहीं है, एक तो मेरा शोल्डर यहाँ से ना डिसलोकेट हुआ जिसकी वजह से मैं ताकत भी नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैंने ना चश्मा चेंज कर लिया, ये वाला चश्मा निकाल के पहन लिया, उसको अपन बाद में चुंबक से निकालेंगे, कैसे नहीं, इनका शोल्डर सही अच्छा होता है ना तो खींच सकते थे अपन, हां ना एक हाथ से शोल्डर, हां नहीं हो रहा, मैंने ना ये सर का ही लेके मुझे पुश देना था ना, तो पुश करना इजी हो जाता है, खींचने में बहुत ज्यादा मुश्किल, कैंची छोड़ रहे भाई, कैंची लगाना, हां मेहंदी लगा जाके, वो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, हां तो बोल तू बोल बाय, हो गया खाली बाय बोलने के लिए, इतना से तो बोलता है हम लोग को, इतना सारा बोलने का रहता है, मम्मू से पूछ जाके देख कितना बोलता है वो, ता ता ता, अरे आज कल तो यार मजा आ रही रहा है, सच्ची में बहुत मजा आ रही है, रिएक्शन चालू कर दे रहा हूँ, सुबह सुबह कैसा मैं और मम्मू होते हैं और कोई नहीं होता है, नहीं हम लोग को बता मत भाई, रहते ना कुछ हाँ कैमरे से शूट करने का तो हम लोग को मालूम पड़े तो मजा है ना, मैं भी तुम लोग के साथ शेयर करूँ, सब ऐसा बताते रहते, थोड़ा सा शूट कर लेने का उस चीज को स्पेशल मोमेंट, अच्छा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आज खाना खाने में बहुत मजा आई उसको, ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक लाइक टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, मैं ना सूरज वाला मंदिर बना रहा हूं आज से, अच्छा सूरज वाला मंदिर, और मैंने कल कैसे से इसको कट किया, और ये देखो मेहंदी दिख रही है, हां दिख रही है, तो तेरे को मेहंदी लगाने आती है लेकिन, मुझे सूरज वाली आती है, चल फिर लगा के दिखा दे आपको, लेकिन सीखा कैसे तूने सूरज वाली मेहंदी, मैं मोबाइल में देखता हूँ ना, हाँ? तो फिर ना मैं ना ऊपर देखता हूँ और ना सूरज वाली मेहंदी सीख जाता हूँ, और चांद वाली, चांद वाली सिर्फ सर्कल ही करना रहता है, और सूरज वाली में, सूरज वाली भी उसमें भी सिर्फ सर्कल करना रहता है, तो पता कैसा चलता है चांद कौन सा है सूरज कौन सा है, सूरज पहले ऐसे 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 ऐसे